नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने PMAYU 2.0 के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। तो वहीं कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में 19वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल समारोह नहीं बल्कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों और क्षमताओं का उत्सव है। आप यहां से डिग्री लेने के बाद में नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, दुनिया में आपकी पहचान बने, ऐसा विश्वास बनाना है। तो वहीं पंचकुला के सेक्टर 11 में रहने वाली एक छात्रा ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के झांसे में आकर करीब 4,94,000 रुपए की ठगी का शिकार हो गई। यह ठगी इंस्टाग्राम के माध्यम से शुरू हुई, जहां उसे एक जॉब ऑफर कर लिंक मिला। इसके बाद में टेलीग्राम चैनल पर उसे टास्क दिया गया, धीरे धीरे निवेश करने के लिए मजबूर किया गया। किरण ने कुल 4,94,000 रुपए जो है वो अलग अलग किस्तों में निवेश किए, लेकिन जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो उन्हें बार बार टाल दिया गया। ठगी का एहसास होने पर किरण ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। सिरसा जिले के मेला ग्राउंड में चोरों ने एक मकान में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोर मकान से लाखों के जेवर, हजारों की नकदी चुरा कर ले गए हैं। शहर थाना पुलिस ने मकान मालिक का बयान दर्ज किया। अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार का मेला ग्राउंड की गली नंबर 1 में मकान है। सुशील कुमार का कहना है कि वो अपने परिवार के साथ में रामा मंडी पंजाब में शादी समारोह में गया हुआ था। रविवार शाम को वापस लौटा तो मकान के गेट और कमरों के ताले टूटे हुए थे। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। सुशील कुमार का यह भी कहना है कि उसने अलमारी खोली तो उसमें सोने की 3 अंगूठी, 1 सोने का हार और 10,000 रुपए की नकदी गायब मिली है। चोरों ने उसे पंजाब जाने के बाद में पीछे से वारदात की को अंजाम दिया था, जहां पर सुशील कुमार ने चोरी की सूचना शहर थाना पुलिस को दी। इसके बाद कीर्तिनगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना भी किया है। प्रदूषण और धुंध के चलते रोहतक के DC धीरेन्द्र खटगड़ा ने जिला में आगामी आदेशों तक प्राइमरी स्कूल के बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। कई जिलों में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह से सोनीपत में 5वीं कक्षा तक स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने मौसम के मुताबिक स्कूल बंद करने के लिए सभी जिलों के DC को निर्णय लेने के लिए आदेश भी जारी किए हैं। दिल्ली NCR में ग्रैब लागू हो गया है चौथा चरण जिसका, और इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी और NCR के शहरों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। ग्रैब के 3 चरण पहले ही लागू हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है। AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। CAQM के अनुसार ग्रैब का चौथा चरण 18 नवम्बर सुबह 8 बजे से लागू हो गया। तो वहीं हरियाणा के 22 जिलों में भी 14 जिले NCR में आते हैं, और ऐसे में ग्रैब 4 लागू होने से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और परिवहन सेवाओं पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा 14 जिलों में विकास कार्य प्रभावित होंगे जब तक प्रदूषण कम नहीं होगा। धुंध के चलते हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर गांव गैबीपुर फ्लाईओवर पर 5 वाहन आपस में भिड़ गए। धुंध ज्यादा होने की वजह से
विजिबिलिटी बिल्कुल कम बनी हुई है, जिसके कारण आमजन के साथ में राहगीरों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और वहीं सड़क पर वाहन बिल्कुल धीमी गति से चल रहे हैं। और साथ ही हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर गांव गैबीपुर में फ्लाईओवर के ऊपर 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और इसके बाद हादसा भी हो गया। सड़क पर आपस में वाहन जो हैं वो भिड़ गए, जिसके बाद हादसा हो गया है। हरियाणा के कैथल में घने कोहरे की वजह से एक बार फिर से हादसा हुआ है। सोमवार सुबह हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर क्रेन और ट्रक पिकअप सहित 8 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में एक कार में आग लग गई और वो मौके पर पूरी तरह से जल गई है। हालांकि कार में बैठे दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ड्राइवर को गंभीर हालत में कैथल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलायत पुलिस की गाड़ी भी हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची है। हादसे में कई लोग घायल हुए। जानकारी के अनुसार कैथल में सोमवार सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी बहुत ही कम रही, जिसमें सड़क पर निकले वाहन रेंग कर चल रहे थे। और इस बीच हिसार चंडीगढ़ सड़क पर गांव बाता में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर सुबह 5:30 बजे के करीब एक के बाद एक 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली फतेहाबाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे। सदस्यता अभियान को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई। 15 जिलों में खुद जाकर सदस्यता अभियान के बारे में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव में पार्टी से भीतरघात करने वालों को लेकर मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि उसके लेकर पार्टी को जानकारी मिली है। कुछ मंदिर की कमेटियों और खाप पंचायत ने भी भीतरघात करने वालों की लिस्ट दी है, इसकी पड़ताल भी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है और इस संगठन के पर्व में सदस्यता अभियान को लेकर आप के बीच में आज ये फतेहाबाद जिले का जो 14वां जिला है, 15वां जिला है, फतेहाबाद का 15वां जिला है और सभी जिलों में इसी प्रकार के प्रवास के कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्ष 2024 का सदस्यता अभियान है, इसमें जो 2019 में हमारा सदस्यता अभियान चला जिसमें 33 लाख सदस्य हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के थे, उन सबको रिन्यू करते हुए और संख्या को बढ़ाते हुए 50 लाख सदस्य हरियाणा प्रदेश में बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ है, प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने, इस प्रकार का लक्ष्य पूरे प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर हमने लिया है। उसको पूरा करने के लिए हमारे प्रत्येक जिला के प्रशिक्षण वर्ग हुए, उसके बाद 313 मंडलों के सभी के प्रशिक्षण वर्ग हुए और उसमें जो प्रक्रिया सदस्य बनाने की है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक नंबर लॉन्च किया है और ये नंबर पूरे प्रदेश पूरे देश के लिए है। पूरे देश का मैं कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए नंबर तो जारी किया है 8800002024। इस नंबर पर कॉल करने से एक SMS के द्वारा मैसेज आता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, आपकी सदस्य संख्या ये है और आपका स्वागत। उस लिंक को अगर आप खोलेंगे तो फिर एक फार्म खुलता है जिस पर उस व्यक्ति का टेलीफोन नंबर और टेलीफोन नंबर डालने के बाद फिर एक OTP आता है। उस OTP को डालने के बाद पूरा फॉर्मेट खुल जाता है जिस पर उस व्यक्ति ने अपना पूरा ब्यौरा भरना होता है और उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी जन्म तिथि क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो 5-7 ऐसी
जानकारियां और उसकी विधानसभा कौन सी है, जिला कौन सा है और उसका मंडल कौन सा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की पहचान बूथ के हिसाब से पूरी जानकारी का एक फॉर्मेट भरवाते हुए और फिर उसमें लास्ट में एक आता है कि किसके रेफरेंस से आप पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। तो जो हमारे टारगेट हमने दिया है सभी सांसदों को 30,000 सदस्य बनाने का, सभी विधायकों को 20,000, सभी हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशियों को भी 20,000। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनलाल बरौनी सिरसा पहुंचे, सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की है। संगठन के विस्तार के लिए सभी 90 विधानसभा में जाकर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से राय ली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर हरियाणा बीजेपी ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। आज सदस्यता अभियान को लेके सिरसा जिले की बैठक, ये हमारा संगठन पर्व और संगठन पर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत करते हुए 2024 में फिर 6 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दोबारा से रिन्यू करने का काम और भारतीय जनता पार्टी में नए सदस्यों को सदस्य के रूप में मेंबर बनाने का अभियान पूरे देश में चला है और 21 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि यहां विधानसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव के बाद 21 अक्टूबर से हरियाणा में भी यह अभियान चला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौनी हिसार पहुंचे, हिसार विधानसभा के सभी बीजेपी विधायकों कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पूरे प्रदेश के 20,639 बूथों पर नई सदस्यता होनी है। 2019 में कुल 33 लाख सदस्य बने थे। 30 नवंबर तक इस अभियान को चलाया जाएगा। प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्यों में महिला, युवा, किसान, प्रत्येक वर्ग की भागीदारी इनमें होनी है। हिसार जिले की जो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का 2024 का चला है और भारतीय जनता पार्टी का जो ये संगठन का पर्व है इसमें पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की नई सदस्यता होनी है और इसमें जो पुरानी सदस्य 2019 में हमारे 33 लाख सदस्य बने थे उन सबको रिन्यू करने का काम है और 21 अगस्त के बाद हरियाणा प्रदेश में भी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे उस वजह से सरकार का गठन होने के बाद हरियाणा में सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने युवा कल्याण निर्देशालय द्वारा आयोजित 11वें त्रिवेणी युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान भारतीय संस्कृति के रखरखाव एवं विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इसका डंका विश्व भर में बजता है। इस संस्कृति की बदौलत ही भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा विश्व भर में मनवाया है। शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने में युवा महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। इन 5 टीम्स में अगर समय रहते
लगाने की युवा शक्ति है। ग्यारहवां त्रिवेणी युवा महोत्सव 15 से 19 तक हमारे यहाँ चलेगा। जैसे कि डायरेक्टर यूथ वेलफेयर ने अनाउंसमेंट किया है कि इस महोत्सव में 30 कॉलेज और 1800 से अधिक पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भाग लेंगे। जैसा पहले भी होता रहा है, ये धरती एक विभिन्न कल संस्कृति की धरती है और 3 राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संस्कृति का समावेश इसमें मिलता है। तो अगले आने वाले 15 से 19 के बीच में 5 दिनों में आप इन तीनों संस्कृतियों की एक झलक देखेंगे और इसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी क्रिएटिविटी और उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो भी इनोवेटिवनेस है उसको भी ज़रूर दर्शन करेंगे। जो कुछ यहाँ सीखा वो सब कुछ वहाँ फायदे में आ रहा है। अगर यहाँ काम नहीं करती, सीखती नहीं, तो वहाँ कुछ दे नहीं पाती। तो जो कुछ भी वहाँ दे पाऊंगी वो सब इसलिए क्योंकि CDLU ने मुझे वो सब सीखने के लिए अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं हमेशा CDLU की कृतज्ञ रहूंगी। किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली? DYW की तरफ से हमेशा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहता है और DYW इस समय की बहुत ही जोशीली, बहुत ही डायनामिक लीडरशिप में है। कुलपति अजमेर मलिक जी के संरक्षण में जो भी कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से आयोजित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भदौरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और मोदी ऐप के माध्यम से लगातार लोग बीजेपी के सदस्य भी बन रहे हैं। हरियाणा ने हर बूथ पर 250 सदस्य हों इसके लिए बीजेपी अभियान चला रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ रही है, जबकि उनके कुछ नेता ही IAS तक रहे, वे समझते हैं कि मशीन में कुछ नहीं होता है तो भी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वहीं विभानी के विधायक घनश्याम सराफा ने भी कहा कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए प्रदेश में कवायद छेड़ी जा रही है। पंजाब के साथ हरियाणा के हैं, हरियाणा का पंजाब का बंटवारा होने के बाद जो अनसुलझे मुद्दे हैं, प्रयास ये करना चाहिए कि उन मुद्दों पर बैठ के बातचीत का रास्ते से उसका समाधान निकले, हरियाणा के किसानों के खेत को भी पानी मिले, हर हाथ को काम मिले और देश विकास की दृष्टि से, प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, ये हमारी सरकार की सोच है जिसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा भी करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ जो विपक्ष के लोग इस प्रकार की राजनीति में उतारू हुए हैं कि विकास का काम हरियाणा में होना है और वो विरोध जता रहे हैं। पंजाब की सरकार पंजाब में विकास करे, पंजाब की सरकार अपना अलग से बिल्डिंग का निर्माण करे, बैठने की व्यवस्था करे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हरियाणा में अगर कोई विकास का काम होता तो उसके बारे में विरोध करना ये उनकी नकारात्मक सोच का परिणाम है। आपकी सरकार है और जिस प्रकार की सोच उस सरकार की है वो हमने दिल्ली में भी देखी है, पंजाब में भी देखी है, आने वाला समय होगा जनता इसका इलाज करेगी। भारतीय जनता पार्टी को जिताने का सबसे बड़ा हाथ हरियाणा की जनता जनार्दन का है, जिसका हमने सम्मान किया, जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं और हम उन सब का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। जब जब भी चुनाव होते हैं हरियाणा प्रदेश के नेता भी वहाँ चुनाव में जाते हैं, यहाँ के कार्यकर्ता भी जाते हैं और हरियाणा की बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में जाके बसी है और जिस प्रकार के रिजल्ट हरियाणा में आए हैं उसी प्रकार के रिजल्ट दिल्ली के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले महाराष्ट्र में और जो झारखंड में चुनाव है वहाँ वातावरण बना है और जो हरियाणा का चुनाव है
पूरे देश में जो नकारात्मक सोच के साथ एक झूठा प्रचार करने का काम कांग्रेस ने किया था, वो नैरेटिव हरियाणा की जनता जनार्दन ने तोड़ लेने का काम किया है। जिसमें ये जो कार्यकर्ता बनाओ अभियान चल रहा है उसके बारे में भी विस्तृत से चर्चा हो रही है, और मैं मानता हूँ कि इतना टारगेट किसी भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को दिया है तो वो निश्चित रूप से अपना लक्ष्य पूरा करेगा, और किसी में कमी आती है तो विधायक और सांसद भी उनके साथ जाके ये हम कार्यकर्ता बनाने का आह्वान किया है उसी को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल में इतना ही, नमस्कार।